दोस्तों, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल द राइडिंग सोल। आई एम बैक विद न्यू व्लॉग। गाइस, आज हमारे पास है हमारी ट्राइम्स स्वीट ट्रिपल आर 765 BS6 2022 मॉडल। तो आज इसी के ऊपर हमारा ब्लॉग होने वाला है। सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं, इसका रिव्यू, राइड रिव्यू सब कुछ देने वाले हैं। मेक श्योर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, कमेंट करना कैसा लगी, कैसी कोई भी आप बता सकते हो अपनी क्वेरीज, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलो बिना देरी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। मेक श्योर यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग। सो गाइस, चलिए चालू करते हैं हमारा राइड। भाई मुझे ब्लॉग करने दे यार। तो गाइस ये देखो, सबसे पहले ये है पलासियो मॉल एंड फिनिक्स पलासियो मॉल। तो इकाना स्टेडियम हमारा ये रहा, और यहाँ पे हम लोग आए हैं बड़ी सी लोकेशन देख के शूट करने हमारी ट्राइम के ऊपर। और आप लोग ने यार गाइस कमेंट नहीं करा कि भाई हमारी इस बाइक का नाम क्या रखा जाए। बहुत अच्छे अच्छे नाम मैं भी सोच रहा था, बट चलो कोई नहीं। एनी वेज स्टार्ट करते हैं हमारी बाइक का इस अच्छी सी सुंदरम लाल का भाई व्लॉग सेशन स्टार्ट। ठीक है, तो गाइस पहले आप बात करते हैं सामने वाले फ्रंट व्यू की। तो ये है सामने वाला फ्रंट व्यू, देख लो। तो बेसिकली अब क्या हो गया ना, ये जो DRLs हैं, ये जो DRLs हैं ये चेंज हो गए 2022 मॉडल में, 21 मॉडल में। अब पहले जो आते थे वो ऐसे करके आते थे, ऐसे करके, ठीक है, अब आ रहे हैं ऐसे करके। इसको मैं जला के भी दिखा देता हूँ। तो हैव अ लुक, ऐसे जल रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। तो ये है DRLs विच HID हेडलैम्प्स एंड भाई आगे अपसाइड डाउन फोक्स दे रखे हैं USD के, शोवा के। तो गाइस रेडिएटर ग्रिल लगी है हमारी EvoTech की, ब्रैम्बो के आपके डिस्क कैलिपर्स आ रखे हैं, ये देखो भाई, देख लो। ये है रे, आगे फ्रंट टायर है आपको रोसो डैबलो रोसो, एंड जो टायर साइज है वो मैं बात करूं तो 120/17/70 एंड ओवरऑल मज़ा आ रही है भाई गाड़ी के साथ। जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, मतलब हम लोग ने जो एक्सपीरियंस करा इतने टाइम से ला के हम लोग ने गाड़ी को चलाया है इस सेगमेंट में, भाई ये रानी लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पीछे का रियर टायर साइज़ आपको मिलने वाला है इसमें 180/55 एंड ऑब्वियस गन स्विंग राम है इसमें, और अंडरबेली एग्जॉस्ट साइलेंसर, सॉरी साइलेंसर एग्जॉस्ट अब होता है जब भाई आवाज़ करता, पर ये एग्जॉस्ट ही है गाइस, ये एग्जॉस्ट ही है। एंड ये है कुछ साइड का लुक। इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल रहा है गाइस, ये देखो क्विक शिफ्टर ये रहा। थोड़ा आगे का आपको कॉकपिट व्यू दिखाया जाए। ट्राइम की ये सुंदर सी बैजिंग जो इस बार आई है, ये बहुत पसंद आ रही है मेरे को। बाकी ओवरऑल गाड़ी में सारी चीज़ें मैंने शायद दिखा दी जो लगवाया है। एक शशांक ने इसमें एक चीज़ और लगवाई है, ये है स्पेक्स वेक्स की स्नेक ग्रिप। तो इसका भी एक प्रोसीजर है गाइस, इसको लगा के 12 घंटे छोड़ दो ताकि अपना टेक्सचर मतलब बना ले, अपनी जगह बना ले, ताकि ये निकले ना, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। बाकी दो काम हुए हैं अभी गाड़ी में, एक रेडिएटर ग्रिल लगी है, एक टैंक ग्रिप लगा है, और एक ये जो कंपनी से ही शशांक ने लगवाया था, ये है फ्रेम स्लाइडर्स। तो गाड़ी लेने के बाद ऑलमोस्ट भाई 30-35 हज़ार का खर्चा कर चुका है गाड़ी में, ठीक है। एंड गाड़ी हमारी पड़ी थी 11.5 लाख ऑन रोड, ठीक है। तो ये है ट्राइम स्ट्रीट ट्रिपल आर 765, ओनली आर है 765 आर। RS भी आती है बट वो नहीं ली गई क्योंकि वो इससे कुछ ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो चलिए अब इतना ही था, थोड़ा आपको अब दिखाते हैं कॉकपिट का व्यू। करते हैं हमारे कॉकपिट व्यू शिश की। तो ये है इंजन किल स्विच, इसी में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। ये है आपके हिजाज का बटन, एंड अगेन ऑन द सेकेंड हैंड साइड इट इज़ द
आई बटन जो कि यहाँ से आपके मोड वोड चेंज करने में मदद करता है, ठीक है, जो आपके रेस मोड ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये हो गया आपका इंडिकेटर बटन, हॉर्न बटन, एक बार हॉर्न भी सुन लो कैसा है इसका, बड़ा स्वीट और छोटे बच्चों वाला हॉर्न दिया गया है इसमें। मोड भी मिल रहे हैं आपको इसमें, आप मोड इसके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आप देखो, आप जैसे मैं आई बटन दबाता हूँ तो ट्रिप ये वो सारी चीज़ें, ट्रिप 2 किलोमीटर एवरेज वगैरह, ओडो, ट्रिप 1, टाइम, सब चीज़ें इसमें आपको दिख जाती है। एंड हीट टेम्परेचर, इसका भी एक और वो है इसका प्लस पॉइंट, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। एंड इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो देखना, ये देखो घूम कितना ऑसम है भाई पूरा है सिस्टम इसका। इसमें एडजस्टेबल लीवर मिल जा रहे हैं, ठीक है, जो कि कंपनी की तरफ से ही आ रहे हैं, ठीक है। बाकी चलिए अब थोड़ा राइड रिव्यू दिया जाए आपको, बताया जाए कि गाड़ी कैसी चल रही है, ठीक है। सो गाइस चलो और चलो करते हैं हमारी राइड रिव्यू चालू। बाकी मैं बता रहा हूँ जो कि सीट है जो बाइक के लिए बहुत कम्फर्टेबल है, बट तब भी जब आप उसको ज़्यादा चलाते हो तो आपके पैर ऐसे जाते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा आप देर इसको चला नहीं सकते क्योंकि शशांक 1000 किलोमीटर चला के जब इसको लखनऊ लाया था भाई बोल गया था वो बेचारा, और पिलियन पे भी आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी बात करें तो भाई वो आपको मिलने वाली है 165 mm, सीट हाइट है 825 mm। एक बार आपको इसका साउंड सुनाते हैं, ठीक है। एंड हियर वी गो, राइड बाइक हमारी लगी है रोड मोड पे, तो रोड बेसिकली नॉर्मल होता है ना, मीडियम है, तो हियर वी गो। बिना क्लच के इस गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और रात की रानी चालू हो चुकी है ये बाइक, तो एक आवाज़ सुनाई जाए आप लोग गाइस, चलो कैसी लगी कान फट गए तो चलो गाइस चालू करते हैं। स्टैंड हटाएंगे, इसका स्टैंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब राइडिंग पोस्चर की बात करें तो भाई राइड देखो, आप हल्का से टिल्ट होते हो, आराम से अपने हैंडल को ग्रिप करो, और बस इतना जो पोर्शन है ये है डेटोना का, पीछे वाला पूरा डेटोना का है, जितना आगे है ये ट्राइम का है बस, बाकी दोनों की सिमिलर है, इंजन चेंज है, ये डिफरेंस है बस डेटोना और ट्राइम में। बेसिकली इट्स अ नेकेड स्ट्रीट फाइटर, एंड वो है आपकी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक, ठीक है। तो अब इसमें आपको मैं दिखाऊं, देखो ये है हमारा हीट, ये हमारा ऑयल का, शशांक इसमें ऑलरेडी हमेशा मतलब जब से लाया तब से XP ही डलवा रहा है, 180 रुपीज़ पर लीटर, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा लेती है गाड़ी। टैंक कैपेसिटी की बात करें 70 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है इसमें, और भाई एवरेज आपको मतलब मिनिमम 25 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें, ये मैंने आई बटन दबाया, ये एप्पल आई वाला बटन नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ, आपके ट्रिप, आपका ट्रिप, आपका टाइम, आपका यू नो कितना एवरेज प्रोवाइड कर रहा है, ओडो ओडो सब कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से हमारे मोड चेंज होते हैं, ये वाला बटन दबाओगे तो रोड, आपका स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट राइडर, राइडर रेन, ये सब चीज़ें मिल जा रही हैं। तो पहले हम चलते हैं रोड मोड पर ही, इसके जो जितने मोड्स वाले और जो गियर वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो वो ब्लॉग भी आ जाएगा, पर उसको थोड़ा दिन में शूट करेंगे ताकि अच्छे से आए, हमारे हिसार जल रहे हैं। चलो चालू करते हैं, ओ माई गॉड रात की रानी, तो चलो गाइस करते हैं स्टार्ट। पहला गियर, तो ये हमारा रोड मोड स्टार्ट चालू होता है। हाँ भाई मतलब गाड़ी आप देखो, मैं इतना सिंपली बैठ के चला रहा हूँ अभी, देखो कोई आवाज़ नहीं है भाई, बाइक में कोई आवाज़ नहीं है, ये है इस गाड़ी का फीचर। गाड़ी है BS6, पहले मैं आपको एक ईयरगैज़म कराता हूँ, ठीक है। तो चलो पहले गियर में डालते हैं और ईयरगैज़म चालू, भाई साहब नेक्स्ट लेवल, भाई नेक्स्ट लेवल। तो पता नहीं गाइस क्या है क्या नहीं है गाड़ी का, अभी थोड़ा इसको मैं ट्राई कर ले रहा हूँ चलाने पे। यहाँ से लेंगे राइट बड़े आराम से देख के, यहाँ से लेंगे राइट। तो गाइस गाड़ी देखो, जो ये पावर दे रही है ना,
तो ये पावर देने का मतलब ये है कि 3 इनलाइन सिलेंडर एंड BS6 और जो इसका मैं आपको BHP बताऊं, 118 BHP, 118 BHP, जो आपकी RSS का अपग्रेड मॉडल वो है 125 BHP, जिसमें आपको TFT मिलती है। ये है जो रेगुलर बेसिस पे जो ट्राइम यूज़ करता है, ठीक है। आवाज़ सुनो यार, देखो मैंने अभी आपको बोला था कि एग्जॉस्ट है इसमें, ये कंपनी वाला एग्जॉस्ट है, सुनो। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो भाई ये है गाड़ी के हमारे इंजन के स्पेक्स। मैं सही बताऊं, गाड़ी अगर आप चलाने बैठोगे, अगर आप ब्लॉगर हो, आप भूल जाओगे। आप तो बस कहोगे गाड़ी भाई उड़ाओ उड़ाओ, एकदम उड़ाओ, कस के रख के उड़ाओ। देखो अब स्पीड, बस आप मेन स्पीड देखते रहो। पल भर में ये मतलब फर्स्ट गियर में 134-140 चली जाती है। क्या कंपैरिजन है भाई इंजन का, देखो। भाई नेक्स्ट लेवल भाग रही है गाड़ी, एकदम रॉकेट है। इस इंजन का जो है ना, ये जो भाई आपको मिल रहा है ना, इस इंजन मतलब ये जो CC सेगमेंट्स में जो ये इंजन मिल रहा है भाई, वर्थफुल है, बात मानो। क्योंकि ये एल्यूमिनियम, पूरा टोटल एल्यूमिनियम फ्रेम पे है गाड़ी हमारी, जो आपकी निंजा होती है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं स्टील पे। इसका ड्राइव वेट है आपका 168, तो लगा सकते हो भाई क्या भौकाल है इस गाड़ी का, मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी हम घूम रहे हैं प्लासियो मॉल, तो थोड़ा रिएक्शन भी कैच कर लिए जाए। अब चलो फर्स्ट गियर में डाल के देखते हैं कहाँ तक जा रही है। मैं अब समझता हूँ भाई शशांक मेरे साथ चलता है तो वो कैसे चलता होगा कि मैं कितना धीरे चल रहा हूँ, लेकिन भाई गाड़ी तो बूम बूम। तो एक सीधे लेते हैं या सीधे ही लेते हैं, चलो आओ इस वाली मोड़ पे चला जाए, थोड़ा आपको टनल की आवाज़ सुनाई जाए गाड़ी की। अब एक गाड़ी की बात मैं करूँ गाइस, देखो ट्राइम हो गई आपकी, कावासाकी, जितने भी नेकेड मॉडल हैं उसमें मेरे को ये एनी डे बेस्ट लगी, क्योंकि भाई इसका एक, इसको आप मतलब हायर गियर में भी, फिफ्थ सिक्स गियर में भी आराम से 50-60 चला के इसका एवरेज आप निकाल सकते हो 25। भाई ये मीन वाइल है, इट्स अ वेरी गुड बाइक। मैं मतलब बातों बातों में बोलिया की आवाज़ सुनानी। चलो एक सामने राउंड लेके आते हैं, कहाँ है हमारी गाड़ी, और हियर वी गो। माय गुडनेस, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। तो ये है गाड़ी ट्रांस स्ट्रीट ट्रिपल आर 765। देखो गाइस आपको एक बात बताऊं, आप अगर बाइक ले रहे हो तो आप पूरी जांच पड़ताल करके ले लो, ये नहीं कि आपको जो अच्छी लगे आप वो लो। मैं तो कह रहा हूँ पूरी जांच पड़ताल करो, पूरा गाड़ी का यू नो बायोडाटा निकालो कि गाड़ी में क्या फ़ायदा है। एंड शशांक ने इसको लिया है, वो एक पर्पज़ ये है कि उसने अपने डेली कम्यूटिंग के हिसाब से इसको लिया, उसने अपनी सेलेक्टिव करी बाइक कि उसको ये लेनी है। और भाई उड़ती है गाड़ी यार, एकदम मतलब रॉकेट है, रॉकेट। आप मतलब अगर देखो, काफ़ी लीटर सेगमेंट्स की बाइक अलग होती है, ये जो है ये बाइक अलग ही है भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको क्या फील मिलेगा। आप देखो जैसे मैंने बस इसमें जो खामियाँ हैं वो मैं बताना चाहूँगा, कि जो खामी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे एक स्पोर्ट नेकेड है, तो इसका डिज़ाइन उस तरीके से हुआ है, इसलिए मैं मतलब आगे चला आ रहा हूँ। बाकी अगर मैं इसको पुल करूँ, ये देखो तीसरे गियर में भी उठाई तुरंत भाई, मतलब सोचती नहीं उठने से पहले, सोचेगी क्या भाई इंजन ही इतना पावरफुल इंजन है। अब सुनते हैं थोड़ा एरगाज़म, आहा। तो चलो आगे एक बार होके आते हैं। अब
अब देखो गाइस, मैं बात कर रहा था हीट की, इतनी हीट छोड़ रही है ये इस टाइम, पूछो ना। इसका एक मतलब मैं क्या बताऊँ, इसका एक प्लस पॉइंट है, अगर आप गाड़ी को कंटिन्यूसली 140-150 चला रहे हो तो जो इसका हीट है वो लेवल बढ़ जाता है, एंड बढ़ने के साथ साथ आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है कि गाड़ी हो जाती है बंद। हटो चाचा, लेट मी गो, कहाँ मैं पार्किंग में चलाया, मुझे चलानी थी एकदम उड़ा के एकदम बढ़िया से, तो चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। आगे की साइड ही चलते हैं, वहीं से शशांक के पास चलेंगे थोड़ा चला के गाड़ी को। ओहो I-20, वाओ मैन वाओ। तो भाई मतलब मैं चला रहा हूँ गाड़ी को, मेरे को फील हो रहा है कि कितनी, अब देखो और इसका पहला गियर चेक करते हैं कितने में जाती है ये इसका, लेकिन व्लॉग आएगा आप लोग ज़रूर देखना, रोका ठीक है, देख लो रोक दिए, तो लेट्स चेक इट आउट। भाई डर लगता है गाड़ी चलाते हुए, डर लगता है, मतलब गाड़ी एकदम हौकू हौकू है। तो मतलब भाई मान गए यार, गाड़ी का कोई जवाब नहीं है, अपने अपने देखो, हर गाड़ी को बुरा नहीं कहेंगे, बट अगर आप एक चाहते हो कि आपके पास एक होता नहीं, क्योंकि फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज बस मैं राइड रिव्यू दे रहा हूँ, अगर होता तो मैं भाई आपको पूरा रिव्यू देता वो वाला कि इसके राइड मोड क्या है, क्योंकि उसका व्लॉग अलग आने वाला है, क्योंकि उसको शशांक ने थोड़ा अच्छे से समझ रखा है इसलिए वो चलाएगा उस हिसाब से। बाकी देखो एक प्लस पॉइंट मेरे को इसमें लगा, इसमें है रेन मोड, सो सपोज करो इस अगर बारिश वगैरह हो रही है भाई, तो आप गाड़ी को चलाओ और वो जो अपने आप को एक सेटल कर लेगी ना इस रेन मोड के हिसाब से, तो वो एक बात ही अलग होगी, अपने आप को रेन मोड के हिसाब से वो सेट कर लेगी, और जो एक रॉनेस होती है वो चली जाएगी, पावर डिलीवरी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए आपका टायर स्लिप होने का चांसेस कम होंगे। बातें बहुत हो गई मुन्ना, भैया चलो अब थोड़ा चला ही लेते हैं। आओ देखा ब्रेकिंग कितनी प्यारी, ये गाड़ी पागल थी एकदम से मुड़ गई, वो तो मेरे पास टाइम थी कि जो रुक गई भाई, ब्रेक्स नेक्स्ट लेवल ब्रेक है ब्रैम्बो सही में, मतलब पिछली बार भी मैंने टाइम चला रखी है, अच्छा काम हो रहा है। और मज़ा आ गया भाई, एकदम टॉप नॉच है गाड़ी एकदम। शशांक मेरे ख्याल से इधर आ गया, शशांक को बुला लेते हैं। तो भाई बस ये सारी रिव्यू था, राइड रिव्यू गाड़ी की, गाड़ी तो आपने देखी कितनी तेज़ चलती है, क्या बढ़िया इसकी चीज़ें हैं, एवरेज भी आप चाहो तो आराम से एवरेज निकाल सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है एवरेज निकालने में। बस लास्ट एक लास्ट फ्लाई बाय, माई गुडनेस गाइज, इतनी ज़्यादा गर्मी मेरे को पैरों पे पता चल रही है, पूछो ना। सो गाइज, सो कहते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट कैसी लगी बाइक, और भाई नाम भी बता देना कैसा क्या रखें, क्योंकि बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि जब हम लोग थ्रॉटल लेते हैं तो गाड़ी बताती ही नहीं कि क्या करना है, ठीक है। तो बस इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, शशांक की भी मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, Triumph 765 SS3RR, और बस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे
एंड होप करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ किसी बार नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय।